दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों आने वाले 48 घंटों में यानी कि 12 से 13 अप्रैल के बीच इन क्षेत्रों में आने वाला है भयंकर डस्ट स्ट्रॉम यानी कि भयंकर तूफान धूल भरा, साथ में हल्की बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट भी हो सकती है इन क्षेत्रों में। तो जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश के सभी बड़ी एवं अलर्ट अपडेट खबरों से। चलते अपडेट की ओर दोस्तों। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, 12 से 13 अप्रैल तक भयंकर तूफान का अलर्ट है। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से, यहाँ उठने लगे हैं धूल के बवंडर। मौसम विभाग ने जिलों में 50 किलोमीटर रफ्तार से रेतला बवंडर आने की चेतावनी। तेज रफ्तार से अंधड़ और धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गड़गड़ाहट के साथ बौछारें गिरने का अंदेशा। दोस्तों जयपुर से खबर निकल कर आ रही है, प्रदेश में अंधड़ यानी कि आंधी डस्ट स्टॉर्म और कुछ इलाकों में मेघ गर्जन थंडर स्टॉर्म के साथ मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले 48 घंटों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने वाली, कुछ इलाकों में मेघ गर्जना के साथ वर्षा भी होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय की तराई क्षेत्र में आज एक शक्तिशाली और कम ऊंचाई वाला पश्चिमी विक्षोभ टकराने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के उत्तरी पूर्वी इलाकों समेत पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज रफ्तार से आंधी और धूल भरी हवाएं चलने से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बौछारें गिरने का अंदेशा है। ऐसे में अगले एक दो दिन प्रदेश के पूर्वी इलाकों में गर्मी की तपिश थोड़ी कम हो सकती है। यहां उठने लगे धूल के बवंडर। दोस्तों प्रदेश के कई जिलों में सहित बाड़मेर के लिए जारी मौसम विभाग की के अनुसार आंधी तूफान की चेतावनी के बीच बुधवार को मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं हालांकि दिन में तेज धूप और लू सताती रही, वहीं तेज हवा के साथ धूल के बवंडर उठते रहे। सुबह से ही वहाँ पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी जो शाम तक चलती रही। आसमान में धूल के असर से धूल तेजी से कुछ कम हुई लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहा। 50 किलोमीटर की रफ्तार से रेतला बवंडर आने की चेतावनी। दोस्तों थार में मंगलवार देर रात से हवा का रुख काफ़ी तेज हो गया था, जबकि पिछले कुछ दिनों से हवा काफ़ी धीमी चल रही थी। हवा की गति बढ़ने से धूल के बवंडर उठ रहे हैं। उधर कोटा बारा झालवाड़ा और बूंदी सहित राज्य के करीब 20 जिलों में 13 अप्रैल तक 40 किलोमीटर रफ्तार से धूल भरी आंधी, 50 किलोमीटर की रफ्तार से रेतला बवंडर और बिजली गिरने की चेतावनी जारी है। जयपुर में आज सुबह 6 बजे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। वहीं आज सुबह करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पुरवाई हवाने सुबह के समय गर्मी के तीखे तेवर नरम कर दिए। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार शहर में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और छितराई बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। दक्षिण हवाएं चलने से हवा में नमी पूरी खत्म हो चुकी है और प्रदेश के भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों सहित पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल हो गया है। दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े शरीर में शूल बनकर चुभते रहे, दिन में कूलर और पंखे भी गर्म हवाएं फेंकने लगे। कोटा सहित हड़ौदी में बुधवार को तल्ख गर्मी रही। बारा में आसमान के अंगारे बरसे, अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में अधिकतम तापमान 41.9 व बूंदी व झालवाड़ा जिले में 41 डिग्री रहा। सीकर जिले के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का खास करके राजस्थान क्षेत्र के लिए और अन्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा क्षेत्रों के लिए बताया गया है कि यहाँ के पड़ोसी राज्य सावधान रहे, यहाँ भी आंधी चल सकती है। साथ ही उदयपुर जयपुर इन क्षेत्रों में जो है भयंकर आंधी बारिश हो सकती है, वो भी बिजली की गर्जना के साथ। तो लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का इसको शेयर करें इसे ताकि सभी लोग जान सके मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को, सावधान सतर्क रह सके। स्टूडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।